आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एमपीडीपी पैनल क्या होता है और एमएलडीपी पैनल क्या होता है, एमपीडीपी पैनल और एमएलडीपी पैनल कैसे काम करते हैं और कहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, तो इससे पहले मैं इलेक्ट्रिकल का जितना भी पैनल्स रहता है, बहुत सारे पैनल्स के ऊपर मैं वीडियो बना के रखा हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा और आप लोग चैनल पे जाके भी देख सकते हैं। क्योंकि मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि इंडस्ट्री में जितना भी इलेक्ट्रिकल पैनल रहता है धीरे धीरे सबको कवर कर रहा हूँ। ठीक, आज का जो टॉपिक है एमपीडीपी पैनल और एमएलडीपी पैनल कैसे काम करता है और क्या होता है। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पंकज और आप लोगों को स्वागत करता हूँ द इंजीनियरिंग वाले यूट्यूब चैनल पर। वीडियो पूरा प्रैक्टिकल होने वाला है, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों का सामने ये देख पा रहे हैं मेन जो पैनल है पीसीसी पैनल, जो कि एसटी पैनल में मेन इनकमर है। एसटी पैनल में मेन इनकमर आने के बाद ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर वोल्टेज स्टेप डाउन होके पीसीसी पैनल पे आता है। ठीक, आप लोग को पता होगा, अगर नहीं पता है तो फिर आप मेरे चैनल पे जाके पीसीसी पैनल के ऊपर एलटी पैनल के ऊपर वीडियो देख सकते हैं, तो आप लोग को पता हो जाएगा क्या होता है। ठीक है, तो मेन जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ये पीसीसी पैनल आप लोग के सामने है, यहाँ से हर जगह पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे एक पैनल है, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है एमपीडीपी फीडर। ठीक है, एमपीडीपी पैनल, यहाँ से पावर जा रहा है एमपीडीपी पैनल को, ये उसका मेन सप्लाई है। इसको जब ऑन करेंगे उसके बाद वहाँ पे जाएगा। अभी जो मेन जो एमपीडीपी पैनल है वहाँ पे जाके हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहले एमपीडीपी पैनल देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे एमएलडीपी पैनल। ओके, तो आप लोग का सामने यहाँ पे देख सकते हैं एमपीडीपी पैनल जो लिखा है एमपीडीपी 3 एंड एमपीडीपी 4। ओके, ये बेसिकली एमपीडीपी का जो फुल फॉर्म होता है मेन पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। ये मेन पावर जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की यूज़ हो रहा है, आप लोगों को पता होगा जो इंडस्ट्री में फील्ड साइड में बहुत सारा काम चलता रहता है, जैसे कि वेल्डिंग मशीन से भी काम चलता है, फिर ग्राइंडिंग मशीन से भी काम चलता है, कटिंग मशीन से काम चलता है, जो कि टूल्स जो कि हैवी थोड़ा मोटराइज जो टूल रहता है थोड़ा हैवी लोड वाला, तो उसलिए ना हम लोग क्या करते हैं एक अलग से फीडर लगाते हैं जो कि काम जो कि सप्लाई हम लोग फील्ड में देते हैं अलग अलग सेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पे लगा हुआ है। ये जो है मेन इनकमर हो गया, यहाँ पे एक मेन इनकमर है, एमसीसीबी एक लगा हुआ है, मल्टीवेशन मीटर एक है और सिलेक्टर स्विच एक लगा हुआ है। ठीक है, इसका हैंडल है ऑन ऑफ करने के लिए, यहाँ पे इंडिकेशन आ रहा है RYB। ठीक है, और ये जो ऊपर में एक जो फीडर है, जो फीडर है 63 amps का है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 63 amps का है, क्योंकि ये थोड़ा हाई amps का है, क्योंकि फील्ड में जो हैवी लोड चलने वाला है ना, क्योंकि ये जो अलग अलग जो फीडर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें भी है और इसमें भी है। यहाँ से क्या हो रहा है, अलग अलग सेक्शन में बहुत सारा सेक्शन रहता है, अलग अलग सेक्शन में पावर जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कोल मिल सेक्शन हो गया, यहाँ पे एक जा रहा है बैटरी चार्जर के लिए और एक यहाँ पे जा रहा है कूलर सेक्शन के लिए सेकंड फ्लोर में। ठीक है, अलग अलग सेक्शन में यहाँ से पावर डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसका फ्रंट साइड ही यहाँ ऐसा और इसका पीछे साइड भी सेम ऐसा ही है। ठीक है, पीछे साइड भी यहाँ पे छोटा छोटा फीडर लगा हुआ है, पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, तो जो बेसिकली एमपीडीपी का काम यही होता है, जो हैवी लोड जो चलता है हम लोग एक अलग से फीडर रखते हैं यहाँ से पावर देने के लिए। ओके, अभी हम लोग देख लेते हैं एमएलडीपी क्या होता है। इसका साइड में ही एमएलडीपी पैनल यहाँ पे है, ये जो है यहाँ पे ही एमएलडीपी पैनल यहाँ पे है। एमएलडीपी पैनल का जो मेन पावर आ रहा है वो भी आ रहा है कहाँ से, जो पीसीसी पैनल है पीसीसी पैनल पे आ रहा है। ठीक है, पीसीसी पैनल पे आने के बाद वहाँ से कहाँ पे आता है, हम लोग कंट्रोलिंग के लिए एक अलग से एक ट्रांसफार्मर है जो कि लाइटिंग ट्रांसफार्मर। ठीक है, चलिए वो भी दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, वहाँ से जो पीसीसी पैनल से पावर आ रहा था पावर आ रहा है, आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये एक चेंज ओवर सिस्टम है जो कि दो इनकमर है, एक पीसीसी पैनल से इनकमर आ रहा है लाइटिंग के लिए और एक इमरजेंसी सप्लाई है। ठीक है, ऊपर में आप लोग देख सकते हैं दो इनकमर आया है और इसका आउटगोइंग एक है। ठीक है, अभी ये वाला पीसीसी पैनल से आ रहा है और एक वाला इमरजेंसी आ रहा है। ठीक है, अभी पीसीसी पैनल से जो आ रहा है ना, जब इसको अभी देखिए पीसीसी पैनल पे सिलेक्शन देके रखे हैं, पीसीसी पैनल पे पावर आ गया, आने के बाद क्या होगा, यहाँ से पावर आउट होगा, आउट होने के बाद कहाँ होगा, ये जो है हम लोग का लाइटिंग ट्रांसफार्मर। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये लाइटिंग ट्रांसफार्मर है, 150 kVA का है, यहाँ से पावर जा रहा है एमएलडीपी जो पैनल है वहाँ पे पावर जा रहा है। यहाँ पे जो रखे इमरजेंसी, मान लीजिए जो पीसीसी पावर ये फेल हो गया, तो उस कंडीशन में हम लोग को यहाँ पे इमरजेंसी पावर मिलेगा, तो उस कंडीशन हम लोग आके इसको घुमा के इमरजेंसी करने से, क्योंकि लाइटिंग सप्लाई हम लोग इमरजेंसी एनी टाइम चाहिए एनी कॉस्ट, तो उस टाइम हम लोग
इमरजेंसी में लाइट जला सकते हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर आउट हुआ है, आउट होने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे आ रहा है, ये जो है हमारा MLDB पैनल जो होता है मेन लाइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ठीक है। ये है ये मेन, इसका इनकमर ये हो गया, मेन इनकमर हो गया, ये एमिटर लगा हुआ है, इंडिकेशन दे के रखे हैं ऑन ऑफ का, ट्रिपिंग का, RIV का, वोल्ट मीटर है, सिलेक्टर स्विच है, एक MCCB लगा हुआ है, ये मेन इनकमर है। जब इसको हम लोग ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद क्या होगा, पूरा जो पैनल है पूरा पैनल चार्ज हो जाएगा, ठीक है। चार्ज होने के बाद क्या होगा, यहाँ से ये जो उसके बाद यहाँ पे छोटा छोटा फीडर है 32 amps का है, थोड़ा कम रेटिंग का है, ठीक है, क्योंकि लाइटिंग लोड चलने वाला है इसलिए हम लोग यहाँ पे कम रेटिंग का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ से भी अलग अलग सेक्शन में आप लोगों को पता होगा लाइट चाहिए तो अलग अलग सेक्शन में लाइट जा रहा है, ठीक है, इस साइड से भी और इस साइड से भी। लेकिन इसमें दो एक डिफरेंस है, क्या है, इस साइड वाला जो है ये क्या होता है टाइमर के साथ ऑन होता है, ठीक है, और इस साइड में जो है मतलब ऐसा ऐसा कुछ सेक्शन है जहाँ पर लोगों को पता होगा कि इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे कुछ सेक्शन होता है, टनल होता है जहाँ पे अंधेरा रहता है, एनी टाइम लाइट चाहिए 24 आवर दिन में भी। तो ये कह रहे यहाँ से जो पावर जा रहा है इसको एनी टाइम उस सेक्शन पे लाइट रहता है, लाइट जलता रहता है, ठीक है, इस वाला साइड से ऐसा जल रहा है। और इस साइड में जो है इस साइड से क्या हो रहा है, एक टाइमिंग हम लोग शेड्यूल दे के रखे हैं शाम को और सुबह को, उस टाइम में क्या होगा सेक्शन का लाइट जहाँ पे थोड़ा बाहर में लाइट है वो टाइम टू टाइम जलेगा, टाइम टू टाइम बंद हो जाएगा, ओके। और उसके बाद यहाँ से हम लोग यहाँ पे एक सिलेक्टर स्विच लगा हुआ है, सिलेक्टर स्विच ग्रुप है और इंडिविजुअल है, हम लोग यहाँ से जब इंडिविजुअल करके अलग अलग सेशन का दिन में भी इंडिविजुअली ऑन कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए किसी सेशन का ऑन करना, किसी सेशन का बंद करके रखना, तो हम लोग कर सकते हैं। और ग्रुप सेक्शन है, ग्रुप में डालने से क्या होगा, एट ए टाइम जब टाइमिंग ऑन होगा सब लाइट एट ए टाइम जल जाएगा टाइमर के साथ। तो बेसिकली MLDB का काम होता है लाइटिंग देना हर सेक्शन पे, और MPDB का जो काम होता है जो कि हैवी लोड चलता है, वेल्डिंग मशीन टूल्स फूल जो मोटराइज टूल्स रहता है उसके लिए यूज़ होता है, और MLDB लाइटिंग के लिए यूज़ होता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा MPDB और MLDB पैनल क्या होता है। तो फिर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ओके। तो फिर नेक्स्ट ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।